वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन। और देखो यार, सबसे पहले तो सॉरी, कल अनकट वीडियो अपलोड हो गई गलती से, और उसमें काफ़ी सारे कट्स थे क्योंकि यार देखो कल थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो रिटेक्स ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि बार बार खांसी आ रही थी मुझे बोलते हुए, तो इसलिए ज़्यादा रिटेक्स हो गए उसमें। और देखो, पते की बात ये कि वो रिटेक्स वाली वीडियो ही अपलोड हो गई गलती से, क्योंकि मैंने रेंडर करते टाइम नेम सेम कर दिए दोनों के, क्योंकि जैसे मैंने नेम सेव किया था उसका ईयर ट्रेनिंग से, तो मैंने उस दूसरी वाली का मैंने दूसरी फाइनल वाली का सेव कर दिया नेम ईयर ट्रेनिंग फाइनल करके, तो कन्फ्यूजन हो गया यार, गलती से वो अपलोड हो गई और काफ़ी सारे लोगों ने देख ली, और उसमें मैं किसी को डांट भी रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगा यार। रात को जाके जब काफ़ी सारे लोगों ने देख ली, तब जाके एक बंदे का कमेंट आया कि भाई ऐसे ऐसे आप किसी को डांट रहे थे यार, धोखा हो गया यार ये, तो मैं एम्बेरस फील कर रहा हूँ, मतलब यार क्या कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो हम भी सीख गए कि आगे से रेंडर करते टाइम नाम अलग रखूँगा मैं अपनी दूसरी वाली का, ताकि आगे से कभी ऐसी अनकट वीडियो ना आए और आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील ना हो, ऐसे रीटेक्स होते रहे बार बार वो इसमें, तो फिर यार बंदा सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार कैसे सिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये बोल रहा था अभी ये बोल रहा था, तो ऐसा हो सकता है तो कभी कभी। बाकी मैंने फाइनल रिजल्ट वाली जो फाइनल कट वाली वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी है, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जाके देख सकते हो जिसने नहीं देखी है। और इस वीडियो में ये बेसिकली मेरा पुराना प्रोजेक्ट है, एक बंदे ने मुझसे इसका कैराओके मांगा था, तो मुझे लगा यार ये प्रोजेक्ट सही सलामत पड़ा है, बेसिकली काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है तो इसके वोकल्स नहीं हैं अभी, तो मैंने उसकी ऑडियो फाइल मिल गई मुझे, तो मैं आपको ऑडियो फाइल सुना दूंगा कि उसमें कैसे वोकल्स हैं और मैंने क्या क्या इफेक्ट उसमें लगाए हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट 95% इंस्ट्रूमेंट्स मुझे वापस मिल गए हैं, एक दो जो जैसे कि कॉन्टैक्ट था, तो एफएल स्टूडियो क्या प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्टैक्ट है, मैंने कॉन्टैक्ट 5 यूज़ किया था उसमें, जब मैंने सिस्टम अपग्रेड किया अपना विंडोज़ वगैरह दोबारा डाली, तो तब तक कॉन्टैक्ट 6 आ चुका था, तो मैंने अपना अपग्रेड कर लिया, पर एफएल स्टूडियो ने डिटेक्ट नहीं किया कॉन्टैक्ट 5 की जगह कॉन्टैक्ट 6, तो वो इसलिए एरर मार रहा था, तो मुझे रिप्लेस करना पड़ा, तो शायद एक आधा इंस्ट्रूमेंट इधर उधर हो गया, बाकी 95% इंस्ट्रूमेंट सब इसमें हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊं कि मैंने ऐसा साउंड कैसे बनाया, पहले हम फाइनल ट्रैक सुन लेते हैं कि मेरा सॉन्ग क्या था और कैसे मैंने बनाया था। मैं जमीन तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा, तू बारिश है मेरे तू मधुम कोई तू राग सा। मैं जमीन तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा, तू बारिश है मेरे तू मधुम कोई तू राग सा। मैनू अपना बना ले मेरे हिरिए, बना ले मेरी हिरिए, मैं रहना है तेरा बनके। बूहे बारियां हाय, बूहे बारियां, बूहे बारियां, ते ना ले कन्ना टपके, तू आ जावी हवा बनके। बूहे बारियां हाय, बूहे बारियां, बूहे बारियां है, बूहे बारियां। तो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, बस इतना ही मैंने गाया था, तो इसका ही म्यूज़िक मैंने बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कैसे बनाया, इसका एक ट्यूटोरियल होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे वैसा साउंड पाने के लिए। सबसे पहले वोकल्स की बात कर लेते हैं कि मैंने वोकल्स में क्या क्या यूज़ किया था। वोकल्स में मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं की, सिंपल मिक्सिंग मास्टरिंग की है, ताकि मैं नेचुरल रखना चाहता था। उसमें मैंने देखो ऑटोट्यून ईवो यूज़ किया है जी माइनर स्केल पे, सेटिंग्स ये थी, मैंने रीट्यून स्पीड 6 पे रखी थी, ह्यूमनाइज 7 पे, मुझे थोड़ा सा ऑटोट्यून थोड़ा सा माइनर से ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने पिच अमाउंट इसलिए 95 रखा कि ज़्यादा, क्योंकि मैंने उस दर्शन राणा ने जिस तरीके से गाया था, मैंने उस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट गाया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट चाहिए था। और EQ मैंने यहाँ पे देखो अपनी हाई फ्रिक्वेंसीज़ बढ़ाई हैं, थोड़ी सी लोज़ भी बढ़ाई हैं ताकि बेस वाली आवाज़ लगे, और लोज़ सब लो मैंने काट दिया है इसका। और देखो
यहाँ पे मैंने सब वाला पार्ट काटा हुआ है क्योंकि मुझे ये नॉइज़ वाली फ्रिक्वेंसीज नहीं चाहिए थी। बाकी मैंने अपनी हाई फ्रिक्वेंसीज लगभग हाई मिड वाली सारी बूस्ट करके रखी हुई हैं, और जो मेरी ट्रेबल वाली फ्रिक्वेंसीज हैं उन्हें थोड़ा सा लो रखा, पर थोड़ा सा ही बूस्ट किया, ज़्यादा नहीं किया। और मिड फ्रिक्वेंसीज मैंने डाउन रखी हैं क्योंकि मुझे अपनी वॉइस थोड़ी सी पतली चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा डाउन कर दिया। और यहाँ पर मैंने थोड़ी बैड फ्रिक्वेंसीज को रिमूव किया है, ज़्यादा नीचे तक रिमूव नहीं किया, नेचुरल रखने के लिए थोड़ा कम नीचे तक रिमूव किया है, ज़्यादा नीचे मैं नहीं लेके गया हूँ इसको। यहाँ भी मैंने सब वाला पार्ट काट दिया है। मैंने बिल्कुल कोशिश की कि वोकल मैं क्लीन रखूँ, और यहाँ पर थोड़ा साउंड ग्राइजर यूज़ किया है वोकल में थोड़ा सा बेस देने के लिए, थोड़ा हैवीपन देने के लिए। और साउंड ग्राइजर की वीडियो मैं डाल चुका हूँ चैनल पर, आप जाके चेक कर सकते हैं, ऑटोट्यून का मैंने आपको बता ही दिया। नेक्टर थ्री देख लो, कुछ फ्रिक्वेंसीज मैंने रिमूव की हैं जो मैं EQ में नहीं रिमूव कर पाया था, तो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी। और जो बची फ्रिक्वेंसी थी जो अच्छी वाली थी वो मैंने बूस्ट की हुई है यहाँ पे। और देखो ये सब वाला पार्ट भी मैंने यहाँ से काटा हुआ है क्योंकि ये नहीं चाहिए मुझे कहीं भी। और यहाँ पर थोड़ा सा गेट यूज़ किया है, गेट पे भी आगे चल के वीडियो आएगी कैसे क्या यूज़ होता है इसका, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कंप्रेसर मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, और कंप्रेसर की जगह मैंने यहाँ पर देखो लिमिटर यूज़ किया है, और क्योंकि अभी वोकल्स नहीं यूज़ कर रहा तो मैंने लिमिटर बंद किया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेशन और लिमिटिंग दोनों मैंने साथ साथ की हुई हैं ताकि दोनों एक साथ अपना अपना काम कर सकें। कंप्रेशन और लिमिटर पे अलग से वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो चैनल पे, बिल्कुल इन डेप्थ वीडियो बनाई है, जिसको समझ में नहीं आया वो बिल्कुल डीप में जाके समझ सकता है कंप्रेशन होता क्या यार। एग्जैक्टली कंप्रेशन के सारे नोब्स के बारे में बता रखा है कि वो सब करते क्या हैं। यहाँ पे रिवर्ब यूज़ किया है, रिवर्ब की सेटिंग देखो, ड्राई मैंने ऑलमोस्ट रखा है फुल, फुल से थोड़ा सा ज़्यादा शायद, और अर्ली रिफ्लेक्शन इतना रखा है 94%, और 103% रखा है मैंने वेट। हाँ मैं जानता हूँ ये ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, बट देखो मैंने यहाँ से इसका ओवरऑल लेवल कम करके रखा हुआ है क्योंकि वहाँ से मैंने बढ़ाया तो कहीं से तो कम करना पड़ेगा वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिया है डिले, डिले मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, नॉर्मल यूज़ किया है डिले को, बस अंदर फील के लिए रखा। देखो कितनी वॉल्यूम करके रखी हुई मैंने कि 35-36 तक वॉल्यूम मैंने इसकी रखी है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से लेवल पर इसकी में हारमोनी भी यूज़ की है मैंने नेक्टर थ्री में, और हारमोनी पे भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, पर वो दूसरा तरीका है। हारमोनी बनाने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, तो कमेंट से बताना कि हारमोनी तुम्हें सीखनी है कि नहीं, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारे तरीके मैं बता सकता हूँ बहुत गजब की हारमोनी बनाने के। और यहाँ से देखो कनेक्शंस मेरे, मैंने राउटिंग करा रखी है इन पैनिंग वाले चैनल्स थे कि बेसिकली मैंने ऐसे हारमोनी बना के उसे कंसोलिडेट करके यहाँ से निकाल लिया था और इसे बंद कर दिया था। और यहाँ से मैंने राउटिंग करवा रखी है इन सब ट्रैक्स पे, और इन्हें लेफ़्ट राइट पैन करवा रखा है ताकि इक्वल वॉल्यूम आए, क्योंकि मैंने इसमें स्टीरियो शेपिंग यूज़ नहीं की है, तो स्टीरियो शेपर का काम मैंने ट्रैक से करवा लिया है, ठीक है। और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है। वोकल्स की हो गई बात, अभी हम इंस्ट्रूमेंट पे बात कर लेते हैं कि साउंड कैसे लाया मैं इंस्ट्रूमेंट का। ये जो इंट्रो वाला पार्ट है ये मैंने कैसे बनाया मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो लेयर है, लेयर अगर तुमको यूज़ करनी नहीं आती, जिसको भी इस पर ही मैं वीडियो बना चुका हूँ कि लेयर भाई बहुत गजब चीज़ है, तुम्हें ऐसे ही हल्के में ले रहे हो इसे, बहुत गजब चीज़ है। साउंड को मर्ज करने में सबसे बड़ा रोल है इसका। बेसिकली मैंने इस वाली लेयर में ये दो प्लगइन यूज़ किए हैं, फ्लैक्स और फ्लैक्स, तो मतलब दो बार यूज़ किए हैं फ्लैक्स, पर इन दोनों में प्रीसेट अलग अलग हैं। जैसे कि फ्लैक्स वन में नीचे वाले फ्लैक्स यूज़ किए मैंने, फ्लैक्स वन थोड़ा वो देसी इफेक्ट के लिए मैंने ये वाला सिंथ यूज़ किया है इसमें, स्क्वाडी टिश्यू, और इस वाले के लिए मैंने यूज़ किया क्लासिकली डिजिटल। इन दोनों को मिला के थोड़ा साउंड डिज़ाइन किया है मैंने वैसा वैसा, तब जाके ऐसा साउंड आया। इंट्रो पार्ट हमारा हो चुका है, यहाँ पे बस मैंने यही डाला है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया। इसकी मिक्सिंग मास्टर में दिखा देता हूँ, देखो इसमें मैंने क्या यूज़ किया है।
अब मैं इन सबको बंद करके दिखाता हूँ कैसा साउंड कर रहा है। कितना लो साउंड कर रहा था है? तो मैं EQ मैंने किया, थोड़ी बैड फ्रिक्वेंसीज घटाई है इसमें, थोड़ा सा मैंने कोशिश की इसका थोड़ा सा जो हल्का साउंड उसे दबाने की कोशिश की है मैंने इसमें, और मैक्सिमस से थोड़ा साउंड मैंने इसका बूस्ट किया है, ब्राइट बनाने की कोशिश की है, और यहाँ लिमिटर से मैंने इसका साउंड थोड़ा बूस्ट किया है। तो ऐसा साउंड बनाया है मैंने थोड़ा सा। हमें अपनी तरफ से भी साउंड डिज़ाइन करना चाहिए, साउंड डिज़ाइन पे भी एक सीरीज़ आएगी, काफ़ी लंबी चलेगी सीरीज़, बट अभी उसमें टाइम है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और यार देखो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया ना, जल्दी से दबा दो, क्योंकि यार तुम लोग ना बिना सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहते हो, ये गलत बात है, धोखा हो रहा है भाई के साथ। तो करो यार, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। अच्छा, इसमें देखो, इस वाली मेलोडी में जो हमारा फ्लैक्स 1 था, तो उसमें मैंने क्या किया है, अब मैं दोनों को बंद करके सुनाता हूँ। साउंड काफ़ी दबा दबा रहा, हमें क्लियर बनाना था, तो मैंने साउंड गुडाइजर यूज़ किया, थोड़ी शाइन दी इसने उसमें। उसके बाद मैंने क्या किया, मिड हटाया जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी पतली हो गई, लोज़ को कम किया जिससे वो थोड़ी सी और पतली हो गई, और हाइज़ को बढ़ा दिया जिससे वो पतली फ्रीक्वेंसी ब्राइट हो गई। उसके बाद दोनों ऐसा साउंड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बीट्स पे बात कर लेता हूँ अभी मैं। देखो, बीट्स मैंने इसमें सैंपल्स इसलिए, बेसिकली मैं सैंपल्स ही यूज़ करता हूँ, इसमें मुझे सैंपल्स की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? तो क्योंकि बीट्स इतनी शो नहीं होती हैं इस गाने में, इसमें बेसिकली फोकस हमारे वोकल पे ही रहता है और हमारी मेलोडी पे रहता है, बीट सिर्फ बैकग्राउंड में अपना काम करती हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो बीट पैटर्न ये था, यहाँ से बंद है, तो देखो, तो क्या किया है मैंने, देखो यहाँ पे ये जो ड्रम है ये मैंने इसमें से लिया है। अब मैं सोलो करके सुना देता हूँ तुम्हें, और उसके बाद देखो दोनों को साथ में बजाने से ऐसा साउंड आता है, एक देसी सा क्या बोलते हैं उसे, ढोल नगाड़ा ऐसा कुछ साउंड होता है, क्योंकि जिसमें थोड़ी रिदमिक 808 टाइप साउंड आती है, बट पूरी 808 टाइप साउंड नहीं होती। और हाँ यार, एक बात और बताओ कमेंट्स में मुझे, कि तुम्हें 808, 909, 707 तो इस पे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, 808 क्या होता है, 909 क्या होता है, 707 क्या होता है, तो ये सब चीज़ें, तो कमेंट्स में बताओ कि इस पे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। बीट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, धुन धुन धुन, ऐसी नॉर्मल बीट मैंने इसमें दी है, और इसमें लगाया मैंने क्लैप, और यहाँ पे यूज़ किया मैंने बोटल कैप। अब देखो, और यहाँ पे मैंने यूज़ दिया थोड़ा रिम, क्योंकि यार रेप्लिकेट 100% तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बंदे ने ये ओरिजिनली सॉन्ग बनाया है उसके इंस्ट्रूमेंट हैं अलग थोड़े मुझसे ज़्यादा, और यार वो किसी लेवल पर बैठे हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे इंस्ट्रूमेंट सैंपल्स खरीदते हैं वो लोग, तो अभी हमारा उतना बजट नहीं होता, हम जितने जैसे खरीद पाते हैं, जैसे हमें स्टूडियो में अवेलेबल हो जाते हैं हम वैसे ही यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम वैसा साउंड क्रिएट नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से साउंड डिज़ाइन करेंगे तो उनके 100 नहीं तो 90% तक हम आसपास पहुंच सकते हैं। अब ये जैसे कॉइन की साउंड होती है, तो वैसा मैंने यूज़ किया इसमें, और यहाँ पे देखो ये जो थोड़ा बेस वाला साउंड है ना, अब ये जो यहाँ पे देखो मैंने इसमें रिवर्ब यूज़ किया थोड़ा, अब नहीं तो ऐसा साउंड था ये, क्योंकि उसमें थोड़ी फील देने के लिए किक्स में बेसिकली रिवर्ब बहुत कम केसेस में लगता है,
बट जहाँ लगता है वहाँ फील ही अलग हो जाती है, मतलब सराउंडिंग ही चेंज हो जाती है हमारी बीट की, तो कुछ ऐसी बीट बनती है फिर। और इसमें मैंने रिवर्ब किस तरीके की यूज़ की है, देखो ड्राई फुल रखा है, अर्ली रिफ्लेक्शन फुल रखा है। रिवर्ब पे भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कि रिवर्ब कैसे यूज़ करते हैं, तो रिवर्ब पे भी वीडियो बनाइए जाके देखो। और वेट मैंने देखो 59% रखा है, साइज़ मैंने 40% रखा है, डिफ्यूजन मैंने 100 रखा है, और लो को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ, हाई कट को मैंने 11.2 kHz तक रखा है। और जब इन्हें साथ में बजाते हैं तो ये कैसा लगता है देखो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, मैंने फिर बनाई है उस सॉन्ग की मेलोडी। अब जहां जैसे ये वाला वोकल आता है हमारा, मैं जमीन तू आसमां मैं दाग हूं तू चांद सा तू बारिश है मैं, वोकल्स ज़्यादा ब्राइट हैं इसलिए उसके नीचे ये ज़्यादा सुनाई नहीं देती, बट हाँ ये अपना काम कर रही होती है मेलोडी। तो जिसको भी कैराओके चाहिए इसका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकता है, और जिसको FLP चाहिए वो मुझसे इंस्टाग्राम पे मेरे आके ले सकता है इसके FLP, और इसे स्टडी कर सकता है कि मैंने कैसे बनाया है। बेसिकली मैं सैम्पल्स वाली FLP दूंगा, क्योंकि अगर आपके मुझे नहीं लगता आपके पास ये सब कुछ होगा जो मैंने इसमें यूज़ किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पैटर्न्स भी मिलें और सैम्पल्स भी मिलें ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाओ। तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया है मेलोडी में, बेसिकली मैंने इसमें लेयर यूज़ की है, चार इंस्ट्रूमेंट, चार पांच इंस्ट्रूमेंट को साथ में मर्ज किया है मैंने इसमें। देखो सबसे पहले मैंने इसमें यूज़ किया है वोइलिन, मैं आपको सोलो करके सुना देता हूँ सब इंस्ट्रूमेंट को। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया एक और वोइलिन बट अलग फील का। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया है पियानो, जो मेरा फेवरेट वाला प्रोफेशनल पियानो है, और इसमें मैंने यूज़ की है कोयर मॉर्फ। और फिर देखो एक सराउंडिंग मिलती है इससे इसको। उसके बाद मैंने यूज़ की है बेल्स सिम साइंथ में, तो मेलोडी मैंने ऐसी बनाई है। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता अगर आपकी मेलोडी प्रोफेशनल है, तो अगर आप कम इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करोगे तो यार वो प्रोफेशनल साउंड ही करेगी। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया देखो, पैटर्न नंबर 5, तो मैंने नेक्सस यूज़ किया है यहाँ पे, एस्केप मेलोडी, यहाँ पे एस्केप प्रीसेट यूज़ किया है मैंने इसका। बेसिकली अगर मैंने इसे कैसे यूज़ किया है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप मैं इसे ऐसे यूज़ करता हूँ देखो ऊपर, तो मैंने इसे डाउन करके G3 पे यूज़ किया है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि अब ये पैड की तरह काम करेगा ना कि मेलोडी की तरह। यहाँ पे मैंने फिंगर पिकिंग यूज़ किया है वर्चुअल गिटारिस्ट का, ये बहुत बढ़िया प्लगइन है यार, मतलब बहुत सही, मतलब फिंगर पिकिंग की इसने। और यहाँ पे मैंने मॉप यूज़ किया है, बहुत अच्छी सराउंडिंग मिलती है इन पैड्स से। अभी देखो मैंने कैसे यहाँ पे मिक्स किया इसे, मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसे इंस्ट्रूमेंट को
नाइन्थ ट्रैक देके उसे यहाँ एट्थ ट्रैक से राउट करा दिया है। फिर मैंने पैनिंग की है, इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं दिए मैंने, सिर्फ रिवर्ब लगाया है। और यहाँ पर मैंने इसमें ईक्यू यूज़ किया है, बैड फ्रिक्वेंसीज हटाई हैं, साफ़ किया है, बस यहाँ से सब इसका साफ़ कर दिया, ट्रेबल साफ़ कर दिया। और उसके बाद इसकी कुछ फ्रिक्वेंसीज को मैंने बूस्ट किया है, हाई मिड वाली और मिड वालियों को, और तब जाके ऐसा इफेक्ट आया है। और उसके बाद 19, यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लीनिंग की है मैंने यहाँ भी, पर मैंने थोड़ा बेस को बूस्ट किया है, लो मिड को बूस्ट किया है, मिड को मैंने डाउन रखा है ताकि शार्प साउंड आए, और शार्प साउंड की जो हाई फ्रिक्वेंसीज है उन्हें बूस्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने इन्हें राउट करवाया है रिवर्ब से और डिले से, जो मैंने अपने वोकल्स में यूज़ की थी, तो उनसे राउट करवा दिया है ताकि ये थोड़ा सा घुल मिल जाए वोकल्स के साथ और इसमें भी रिवर्ब की थोड़ी फील आए। और जो नाइन्थ ट्रैक है वो हमारा नॉर्मल ही है, और बस इसमें मैंने सेम चीज़ यूज़ की थी, और बस फिर उसके बाद ऐसा इफेक्ट आता है। और जहाँ तक पैटर्न्स की बात है वो वोकल्स के हिसाब से ही यूज़ किए हैं, जैसे उसकी कोड्स थी, स्टार्टिंग में जी माइनर आता है, फिर उसके बाद एफ मेजर आता है, फिर सी माइनर आता है, फिर डी शार्प मेजर आता है, तो ऐसे करके मैंने कोड्स यहाँ पे यूज़ की हैं जैसी जैसी वोकल्स में आती हैं। अगर आपको ये कोड्स बनानी नहीं आती, इन पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके देखो, प्रोफेशनल कोड्स। इसमें मैंने नॉर्मल बेसिक कोड यूज़ किए हैं, मैं चाहता तो प्रोफेशनल भी यूज़ कर लेता, बट आपको समझ में नहीं आती, पहले वो वीडियो देखो फिर प्रोफेशनल कोड्स बनानी शुरू करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनका भी, तो प्रोफेशनल कोड वाली वीडियो ज़रूर देखना जो एडवांस लेवल के कोड्स होती हैं। और यहाँ पर बीट के साथ अगर इस मेलोडी को सुने, और अगर हम अपना वोकल सुने कि वोकल पे कैसा लग रहा है अब, मैं जमी तू आसमां में दाग हूँ तू चांद सा तू बारिश है मेरे तू मैं तुम कोई तू राग सा इन्हों अपना बना ले मेरे हिरिये इन्हों अपना बना ले मेरे हिरिये मैं रहना है तेरा बनके बूहे बारियां हाय बूहे बारियां बूहे बारियां तेना ले कन्ना टपके तू आ जावी हवा बनके बूहे बारियां हाय बूहे बारियां बूहे बारियां हाय बूहे बारियां। तो मैंने आपको पूरे प्रोजेक्ट की स्टडी दे दी है कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे इसमें यूज़ किया है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने विंड चिम्स वगैरह यूज़ किए, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ हाई फाई चीज़ें यूज़ नहीं की, बेसिक चीज़ों से ही ट्रैक बन गया। तो कई कई ट्रैक्स अच्छे होते हैं, बेसिक चीज़ों में ही काफ़ी अच्छे लगते हैं, ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। आप अगर अपनी तरफ से छेड़खानी करके देखना चाहें, खेलना चाहें ट्रैक के साथ, तो मैं आपको FLP दे दूँगा मेरे इंस्टाग्राम पर, जाके वहाँ पर मुझसे ले लो DM करके, तो मैं दे दूँगा आपको तुरंत। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।